हम लोगों को वो बोलने का अवसर देते हैं, हरि कथा। हरि कथा कौन बोल सकता है? हरि कथा श्रीमद् भागवतम कथा वो बोल सकता है जब शौनकादिक ऋषियों का और सूत गोस्वामी का प्रसंग, वहां पे सबसे पहले श्लोक में ही उन्होंने कहा है ऋषियों ने, हे अनघ। प्रथम श्लोक में उन्होंने अनघ शब्द का इस्तेमाल किया है सूत गोस्वामी के लिए, कि अनघ का मतलब होता है जिसके अघ मीन्स पाप, अन मीन्स संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। जिसके संपूर्ण रूप से पाप नष्ट हो चुके हैं, अनर्थ दूर हो गए हैं, वो व्यक्ति हरि कथा बोल सकता है, वो श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर सकता है। और यहाँ पर आप सभी लोग मेरे सीनियर हैं, फिर भी आप लोग सुनते हैं हम लोगों को, ये आपकी हमारे ऊपर कृपा है। यदि हम लोग त्रुटि करते हैं तो आप लोग हमको सुधारने का प्रयास करते हैं। इसी प्रसंग में हम लोग श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, चतुर्थ स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन किए, तत्पश्चात देवी सती और भगवान महादेव का विवाह कराए। उसके बाद विवाह के पश्चात एक बार यक्ष ने, क्षमा चाहेंगे, दक्ष महाराज ने एक यज्ञ किया जिसमें शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, सभी देवी देवता उपस्थित, क्षमा चाहेंगे, देवी यानी देवता उपस्थित थे। इस प्रकार से जब दक्ष महाराज उस यज्ञ में सभा में उपस्थित हुए, सभी देवता अपने अपने आसन से खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी अपने आसन से नहीं उठे। जब दक्ष महाराज अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उस समय उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं इसलिए उन पर क्रोध नहीं आया, और शिव जी पे वो क्रोध कर गए कि ये देखो मेरा दामाद बन के बैठा है, इसको पहनने का तमीज नहीं है, कपड़े पहनने आते नहीं है, और भूत प्रेतों को लिए घूमता है साथ में, शमशान में रहता है, राख लपेटे घूमता है शरीर पे, कोई भी योग्यता नहीं है, फिर भी ये है ना, ये ब्रह्मा जी, इनके कहने से मैंने अपनी बेटी का इनके साथ विवाह कर दिया, और ये किसी को मर्यादा भी नहीं जानता है, सम्मान देना नहीं जानता है। इस तरह से बहुत सारे अपशब्द दक्ष महाराज ने शिव जी के लिए बोले। शिव जी महाराज कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से उठकर चले गए। ये होती है विष्णु भक्तों की महिमा। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को विष्णु भक्तों का वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं कि विष्णु के भक्त कैसे होते हैं, उनको लेस मात्र भी अपनी बदनाम, क्षमा, अपनी निकृष्टता का बिल्कुल भी बोध नहीं होता है। वो अगर उन्हें कोई गाली भी देता है तो उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। और शिव जी वहां से उठकर चले गए। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद ईर्ष्या अवस्था महाराज दक्ष ने एक और विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। सभी देवता अपने अपने विमानों पर देवियों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय कुछ देवता लोग कैलाश के मार्ग से गुजर रहे थे, तो देवी सती ने वहां देखा कि उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने देवताओं ने देवियों ने बताया कि अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, तो हम लोग उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती देवी महादेव जी के पास आई और बोली, हे प्रभु, मेरे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो हमें वहां जाना चाहिए। शिव जी ने उनको समझाया, देवी बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना उचित नहीं है। तो माता सती शिव जी को बहुत अच्छे उपदेश दिए कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। शिव जी बोले, देवी बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी वहां जाना आपका ठीक नहीं है। देवी सती थोड़ा जिद करने लगी, शिव जी समझ गए ये मानने वाली तो है नहीं, इसलिए उन्होंने बोल दिया, ठीक है लेकिन हम नहीं जाएंगे। ठीक है, देवी सती जी चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब देवता अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं और महादेव जी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, तो वो समझ गई हाँ यहाँ पर उनका अपमान किया जा रहा है। इस तरह से जब वो दक्ष महाराज से मिली, तो दक्ष महाराज जी उनसे ज्यादा अच्छे से बात नहीं किए। उनकी बहनें और माता जी ने भी बस हरे मतलब थोड़ा हंस के बोली, उसके बाद ज्यादा मन से बात नहीं की, तो समझ गए यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद
जब शिव जी का वहां अपमान दक्ष प्रजापति करने लगे बहुत अधिक, देवी सती को वहां सहन नहीं हुआ और देवी सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी। इस तरह से जब यज्ञ ध्वंस होने लगा तो शिव जी के अनुचर वहां कुछ आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, वहां पे भृगु ऋषि बैठे थे और पूसा नाम के एक देवता थे वो भी बैठे थे, तो भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, शिव जी के अनुचर ने उनकी दाढ़ी उखाड़ दी और पूसा नाम के जो देवता थे बहुत अच्छे से दांत निकाल के हंस रहे थे, तो उनके दांत में घुसा मारा, उनके दांत ही टूट गए। इस तरह से उन्होंने सारा यज्ञ ध्वंस कर दिया। थोड़ी देर में वहां शिवजी उपस्थित हुए और शिवजी ने सबको शांत किया। फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया। इस प्रकार से ये कथा बहुत विस्तृत है लेकिन संक्षेप में कही है। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी मनु महाराज की जो 5 संतानें हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनकी इनका चरित्र सुनाए। इसमें ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाते हुए बता रहे हैं कि अपनी सौतेली माँ के कटु वचन से प्रभावित होकर ध्रुव महाराज जंगल में चले गए और 6 महीने में तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। 30,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया। उसके बाद अपने लोक ध्रुव लोक को चले गए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को राजा बेण की कथा सुनाते हैं। महाभागवत है लेकिन शंकर जी क्यों खड़े नहीं हुए, नहीं खड़े होने का क्या कारण था, सत्य ने शरीर को क्या त्याग इसलिए दिया है, इसका क्या रहस्य, कितनी अच्छी अच्छी बात प्रभुपाद ने ये सुना। ईश्वर की चित्त एक बार जैसे ना एक बार मंगला आता है पढ़ना, हाँ आता है पढ़ना एक बार, अगर हर चीज़ को अच्छे तरह से जानना चाहते हो जैसे हमारे गौड़ीय विचार सिद्धांत को साथ में कुछ समय देना पड़ेगा जैसे तय करके जैसे पूरी भागवत विश्वनाथ ठाकुर टीका जी अनुवाद के साथ में बंगला में मिलता है, इसको थोड़ी सी समय दो देख के, जैसे एक ही टॉपिक को अगर जीवन में एक बार अगर उसको लिख लिया ना, देखो मैंने बहुत परिश्रम कर लिया बहुत मैंने पढ़ा पढ़ कर कोशिश कर, जैसे भागवत कथा सुनाते हैं उसमें जो सार सार चीज मैंने बहुत कोशिश करके नोट बनाया है इसको, इसलिए अलग बैठ करके थोड़ा समय दो, समय दे करके और उसको टीका को अच्छे तरह से टीका को पढ़ो, टीका पढ़ करके उसमें जो अच्छी अच्छी जो बात है जो हमारे सिद्धार्थ है उसको अच्छे तरह से लिखो, लिख करके अच्छे तरह से, अरे एक बार अगर जीवन में बन गया ना सारा जीवन, कहीं भी जाओगे अब कहीं भी जाओगे अगर कहीं कथा सुनाने की या है कहीं, हम तो कथा ही हमारा जीवन है, बस अपना खोलो और जो टीका को साथ में जो बताया उसको लोग इसको नई नई विचार जो सुनेंगे उनको अच्छी लगेगी, बना सकते एक बार ऐसे पढ़ो ठीक है ना, अच्छे तरह से पढ़ो, पढ़ कर अच्छे तरह से उसको ये पढ़ो, फिर तो जिंदगी करते जोर से छलांग निकला है। राजा वेन की कथा सुनाए। इसमें राजा अंग और राजनी अनीता के पुत्र थे राजा वेन। कहा जाता है कि बड़े बाप के बच्चे जो होते हैं ना बहुत बिगड़ैल होते हैं, तो बेन बचपन से ही राजा के पुत्र थे तो बहुत बिगड़े हुए निकले। इसमें वर्णन आता है कि जब राजा बेन मतलब पिता की उपस्थिति में उल्टे पुल्टे कार्य करने लगे तब उनके पिता राजा अंग राज्य छोड़कर चले गए। जब राज्य छोड़कर चले गए तो राज्य बिना राजा का हो गया और बिना राजा के कोई राज्य चल नहीं सकता। तब ऋषि मुनियों ने मतलब प्रार्थना करके राजा बेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब किसी उत्पाती व्यक्ति को यार राज्य पर बिठाएंगे तो वो उत्पात ही करेगा और तो कुछ करेगा नहीं। तो राजा बेन को जब राजा बना दिया तो उन्होंने बहुत सारे उत्पात किए। इसके बाद ऋषि मुनियों ने सोचा अब क्या किया जाए, तब उन्होंने मंत्रों के द्वारा उस राजा बेन को मार दिया। राजा बेन को मार दिया उसके बाद उस राजा बेन के शरीर का मंथन किया गया। उस शरीर का मंथन करने से पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई और पृथु महाराज की कथा बहुत अधिक विस्तृत है, भागवत में बहुत सुंदर से वर्णन है।
इसके बाद सुखदेव गोस्वामी पुरंजन उपाख्यान प्रचेता सब कुछ कथा सुनाते हैं और चतुर्दश स्कंद इस प्रकार समाप्त होता है। पंचम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद का अरे अब बस हम पहुंच चुके हैं, बस पहुंच गए अपने ठिकाने पे, अपने ठिकाने पहुंच गए। हाँ ठीक है, हमारे पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय में हम लोग पहुंचते हैं जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नरकों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि नरक एक बहुत भयावह स्थान है, नरक में कौन जाते हैं? तो कह रहे हैं कि नरक में वे जाते हैं जो पाप कर्म करते हैं और तरह तरह के संसार में मनुष्य जन्म लेके उल्टे पुल्टे कार्य करते हैं। नरक कहते हैं जीव जंतु नरक में नहीं जाते हैं, नरक में जाते हैं मनुष्य, क्योंकि जीव जंतुओं को किसी तरह का पाप नहीं लगता, वो कुछ भी करते हैं तो उनको पाप नहीं लगता, लेकिन इंसान किसी तरह के पाप करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। नरक से लेने के लिए जो नरक के देवता हैं यमराज, वो अपने दूतों को भेजते हैं। और नरक कहाँ पर है इसका वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे दक्षिणी छोर में नरक है, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है इसका आकार। और जब यमदूत आते हैं तो उस जीवात्मा को रस्सियों में बांधकर खींचकर घसीटते हुए ले जाते हैं। और नरक लोक की दूरी यहां से 90,000 योजन 99,000 योजन है। इस प्रकार से जब जीव वहां पर पहुंचता है तो यमराज जी को देखता है अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहां पर अनेकों चित्रगुप्त हैं। उन चित्रगुप्तों के सामने चित्रगुप्त अपना बही खाता खोलते हैं, यमराज महाराज सिंहासन पर बैठे हैं एक जज की तरह। उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसके पापों को गिना जाता है और पुण्यों को गिना जाता है। बाद में उसको नरक में भेजते हैं। उसमें बता रहे हैं कि जब यमदूतों का स्वरूप बता रहे हैं कैसे होते हैं, उनका जो आंखें होती है ना, काजल, काला काजल होता है ना, उसके पहाड़ के समान उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और तांबे के तार के समान उनके रोंगटे होते हैं जो यम महाराज के दूत होते हैं, और मुंह बिल्कुल टेढ़े होते हैं विकृत, जिसको देखकर व्यक्ति टट्टी और पेशाब निकल जाती है। इसी में वर्णन आता ना कुछ लोगों की, वो मर गए, कैसे मरे, उनकी टट्टी निकल गई, पेशाब निकल गई। उसका कारण यही है कि यमराज के जो दूत होते हैं इतने भयावह होते हैं देखने में कि लोगों की डर के मारे सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। अब चित्रगुप्त कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को, एक जीव को ले जाने के लिए इस तरह से 10-15 दूत आते हैं। 10-15 दूत जब उसको ले जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले नरकों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, स्कंद पुराण में कहा है कि अनेक अनंत नरक हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि अनेक प्रकार के व्यक्ति पाप कर्म करता है तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के नरक हैं। सबसे पहले नरक का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति जीवन भर मांसाहार करता है, किसी पशु का मांस अंडा या कुछ भी खाता है तो उसको कुंभीपाक नरक में भेजा जाता है। इस कुंभीपाक नरक की क्या विशेषता है, इसमें यमराज जी एक यातना शरीर देते हैं उस जीव को, और उस शरीर की विशेषता है उसको कितना भी मारो, कितना भी उसको उत्पीड़न करो, लेकिन वो शरीर मरता नहीं है, सिर्फ कष्ट भोगता है। इस नरक में क्या होता है, उस 10-15 दूत यमदूत पकड़कर उस कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी एक कढ़ाई होती है, बहुत बड़ा कढ़ा जिसमें तेल खोलता होता है। उस तेल को जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, कभी आलू फ्राई करते हैं, कुछ फ्राई करते हैं, उस तरह से उस तेल के भरे कढ़ाई में उस जीव को फेंक दिया जाता है और उसमें वो फ्राई होता है। वो फ्राई होता है तो वो बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर में मूर्छित हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर थोड़ी देर में उसको होश आता है, फिर उसको उसी कढ़ाई में डाल देते हैं। इस तरह से कम से कम 1,000 बार ये प्रोसेस की जाती है। उसके बाद इस नरक के बाद वो दूसरे नरक में जाते हैं। इसमें एक वर्णन है कि यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का संग करता है, इसमें ये बात दोनों के लिए है, यदि कोई पुरुष अन्य स्त्री का संग करता है या अन्य स्त्री किसी पुरुष का संग करती है,
तो उन लोगों को तप्त सूरमी नामक नरक में भेजा जाता है। इसमें कैसी यातना होती है, जिस तरह की स्त्री का हमने इस संसार में भोग किया है उसी तरह की वहां लोहे की एक मूर्ति बनाते हैं, लोहे की उसी रूप की एक स्त्री होगी जिसको पूरी तरह से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, वो एकदम लाल अंगारे के समान हो जाती है वो मूर्ति, और उस मूर्ति से हमको जबरदस्ती आलिंगन कराया जाता है। यमदूत जबरदस्ती पकड़ के हमको आलिंगन कराते हैं तो जीव चिल्लाता है नहीं अब मैं कभी भोग नहीं करूंगा, कृपया करके मुझे छोड़ दो। लेकिन यमराज के दूत जो हैं, हमारे यहाँ जो पुलिस होती है ना उसके सामने अगर कोई कैदी बहुत ज्यादा रोता है विलखता है उनको थोड़ी दया भी आ जाती है, लेकिन यमराज ने अपने दूतों को इस तरह से ट्रेंड किया है वहां दया नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे पूरी यातना दी जाती है। तीसरा नरक बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शराब पीता है या नशा करता है उसको अहिपान नामक नरक में भेजा जाता है, जिसकी विशेषता यह है कि वहां पर बहुत सारा गर्मा गर्म लोहा होता है और शीशा पिघलाया हुआ होता है, वो उस व्यक्ति के मुंह में जबरदस्ती डाला जाता है, व्यक्ति चिल्लाता है विलखता है लेकिन उनके दूत बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। चौथे प्रकार का नरक का वर्णन कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, जैसे सट्टा लगाता है कहीं, यहाँ तक कि क्रिकेट को भी इसमें बोला गया, क्रिकेट खेलता है या कुछ भी करता है तो उसको संदंश नामक नरक में भेजा जाता है। इसमें यमदूत क्या करते हैं, उस व्यक्ति को सरासी से पकड़कर, सरासी जानते हैं ना, पिलास, पिलास से पकड़कर उसकी खाल खींच लेते हैं। पहले जब व्यक्ति की हमारी खाल हट जाएगी शरीर से क्या निकल जाएगा, लाल लाल रक्त मांस, उस मांस को क्या करते हैं वो लोग नोचते हैं, वहां पर इस तरह की व्यवस्था है, उस मांस को बार बार नोचते हैं कितनी पीड़ा होती है लेकिन उनको तरस नहीं आता है। और पांचवें प्रकार का नरक का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की पत्नी का अपहरण करता है या किसी बच्चे का अपहरण करता है तो उसको तामिश्र नामक नरक में भेजा जाता है। इस नरक की यह विशेषता है कि इस व्यक्ति को हजारों वर्षों तक भूखा रखा जाता है, व्यक्ति को भूख प्यास बहुत कुछ लगती है तो उसके बदले में उसको दिया जाता है सिर्फ डंडे, उसकी जबरदस्ती पिटाई की जाती है लेकिन खाने और पीने को कुछ नहीं दिया जाता है। और छठे प्रकार के नरक का वर्णन कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति मच्छर मारता है कॉकरोच मारता है, लेकिन इस नरक में अधिकतर हमारी माता लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग घर में रहती हैं, और घर में रहती हैं तो घर में कॉकरोच और मच्छर मारना तो उनका फर्ज बनता है क्योंकि अपने बच्चों की रक्षा करनी, हम महाराज मारते हैं लेकिन विशेष रूप से उन्हें अंधकूप नामक नरक में जाना होता है, वहां पे उसकी व्यक्ति की कोड़ों से पिटाई की जाती है। और उस व्यक्ति ने जिस प्रकार के मच्छर को या कॉकरोच को मारा होता है, वो मच्छर हम लोग देखते हैं छोटे छोटे मच्छर होते हैं लेकिन वही मच्छर वहां पे 10-15 फुट का हो जाता है, और 10-15 फुट का मच्छर होके हम लोगों को तरह तरह की यातनाएं देता है, वो मच्छर ही हमको वहां मारता है, हम तो इतना ही रह जाते हैं। उसके बाद सातवें नरक का वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए खाता है और बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर अकेले भोजन करता है उसको कृमि भोजन नामक नरक में जाना पड़ता है। इसकी विशेषता यह है इसमें बहुत बड़े बड़े चील और कौए होते हैं, यहाँ जो छोटी छोटी चील कौए दिखते हैं एक एक फुट के दो दो फुट के, वहां पे 50-50, 100-100 फुट के हो जाते हैं, तो ये चील और कौए होते हैं और वे नुकीली चोंचें होती हैं उनकी, बहुत तीखी चोंचें होती हैं, और वो क्या करते हैं वे पशु वहां उस व्यक्ति को नोचते हैं उसके शरीर को, क्योंकि चील और कौए अगर हमें खाएंगे तो एक बार में तो खा नहीं सकते, चोंच मार मार के कुतरते हैं ना तो कितना कष्ट होगा। इस तरह से आठवें प्रकार का नरक का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यापार में झूठ बोलते हैं, दूसरों से झगड़ा करते हैं और कराते हैं, उनको सारम्यादन नामक नरक में जाना पड़ता है। यहां पर बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, हम लोग देखते हैं छोटे छोटे कुत्ते, लेकिन अगर कुछ अच्छी वैरायटी कुत्तों की जर्मन शेफर्ड है या फिर और भी कुछ वोडाफोन है तो ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल कुत्ते तो छोटे होते हैं। अब वहां पर बहुत विशाल कुत्ते होते हैं नरक लोक में, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, उनके दांत वज्र के समान होते हैं और एक लाइन में एक नहीं दो नहीं 720 कुत्ते खड़े रहते हैं, वो 720 कुत्ते खड़े रहते हैं और 10-15 यमदूत उस व्यक्ति को धक्का मारते हैं उन कुत्तों के सामने कि जाओ भाई तुम्हारा स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उन कुत्तों को देखकर ही भयभीत हो जाता है
और वे कुत्ते एकदम पहले से इतने भूखे हैं, उस व्यक्ति को देखकर उसकी तरफ एकदम झपटते हैं और उसका पूरा शरीर नोच लेते हैं और व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इस तरह से फिर भी वो मरता नहीं है क्योंकि यातना शरीर है जिसमें सिर्फ कष्ट होता है। नवे प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है किसी को, उसको अभीची नामक नरक में जाना पड़ता है। दसे प्रकार का नरक का वर्णन कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे घर में मेहमान और यदि हम उसको देख के प्रसन्न नहीं होते हैं तो उसे पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है। और ग्यारहवें प्रकार का नरक का वर्णन कर रहे हैं, जो माता पिता गुरु ब्राह्मण और बड़ों की बात नहीं मानते हैं उन्हें कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। इसमें 800 मील ऊंचाई पर ले जाकर 800 मील ऊंचाई पर ले जाते हैं उस जीव को और वहां से पकड़कर सिर के बल नीचे फेंकते हैं। उल्टा सीधा फेंकेंगे तो हो सकता है टांगे जमीन पर टिक जाए, कुछ सहायता मिल जाए, लेकिन 800 मील अब ऊपर से जब फेंकेंगे नीचे तो सिर जब जमीन पर लगेगा सिर तो फट ही जाएगा। इस प्रकार से पांव पकड़कर सिर केवल नीचे फेंकते हैं और कंक्रीट में गिरता है, उसके हाथ पैर सब अलग हो जाते हैं शरीर से, इतने ऊपर से गिरेगा तो हाथ पैर तो अलग हो ही जाएंगे। और इस 12 प्रकार के नरक का वर्णन कर रहे हैं कि जो पवित्र स्थान भारत में रह के जन्म लेकर भजन नहीं करते हैं, भारत भूमि ते मनस जन्म सफल करो ना भाड़ी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और भजन नहीं करते उनको बैतरणी नामक नरक में जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा मलमूत्र कफ बलगम ये सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं वहां इकट्ठी होती हैं और उस नदी में से निकल के जाना पड़ता है। उस नदी की लंबाई कितनी होती है वो तो मुझे पता नहीं, आप लोग पता है, उस बहुत बड़ी नदी होती है, उस नदी में से गुजर के जाना पड़ता है। और 13वें प्रकार के नरक का वर्णन कर रहे हैं कि जो हमेशा कमाने में लगे रहते हैं गधे की जैसे, सुबह से शाम तक कमाने में लगे रहते हैं और सिर्फ कमाना ही उनका जीवन है और जितना मिल जाए उतने में उनका जीवन संतुष्ट नहीं होता है, उन लोगों को सूची मुख नामक नरक में जाना पड़ता है। इस नरक में व्यवस्था यह थी है कि वहां पर हजारों दर्जी बैठे रहते हैं, टेलर, वे सब उसके कपड़े सिलते हैं फिर खोलते हैं, हजारों बार ये करते हैं, मतलब कपड़े खोलने का मतलब है उस व्यक्ति के शरीर को पूरा खोलते हैं फिर उसकी सिलाई करते हैं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना उस तरह से पूरा शरीर खोलते हैं फिर सिल दिया फिर खोला, इस तरह से हजारों बार ये प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार से ये 13 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। और भी बहुत सारे नरक हैं, मुख्य रूप से भागवतम में 28 प्रकार का वर्णन है, तो 15 अगर फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग वर्णन करेंगे, आज समय बहुत अधिक हो गया है। तो इस प्रकार से नरक बहुत भयावह स्थान है, इसलिए हम लोगों को समय रहते हुए इन नरकों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग कहते हैं कि किस प्रकार के कर्मों से हम बच सकते हैं, तो कर्म के लिए कहा गया है कि इस समय हम लोग जो भोग कर रहे हैं इसका वर्णन हम नहीं कर सकते, हम नहीं इसका अनुमान लगा सकते कि जो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का हम कर रहे हैं या फिर अभी जो नए कर्म बना रहे हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं कि हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन है, एक सदन नाम के कसाई थे, उनका व्यापार था मतलब मांस बेचना, लेकिन कसाई का उसका सदन का एक विशेषता थी, वो लोग काटते नहीं थे, वो दूसरी जगह से मांस लाके उसको बेचते थे, लेकिन उनके पास एक पत्थर था, वो पत्थर की विशेषता थी कि अगर कोई व्यक्ति 1 किलो मांस लेने आता था तो वो उसको बोलते थे भाई 1 किलो मांस तोलना है, तो वो 1 किलो मांस तोल देता था। अब कोई 5 किलो मांस लेने आया तो उनको बोलते थे भाई 5 किलो के हो जाओ, तो पत्थर 5 किलो का हो जाता था और 5 किलो मांस तोल देते थे। इस तरह से उनका अपना जीवन चल रहा था। एक बार की बात, वहां से कुछ भक्त लोग गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो एक पत्थर से मांस तोल रहा है, पत्थर को देख के साधु लोग पहचान गए ये तो शालिग्राम जी हैं। तो उन्होंने सदन से कहा कि भैया ऐसा है, ये पत्थर आप हमें दे सकते हो, इसके बदले में हम आपको दूसरा पत्थर दे देंगे। सदन ने कहा ले लो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो पत्थर पत्थर एक समान चाहिए हो या वो पत्थर को लेके भक्त लोग अपने घर चले गए। रात को भगवान ने उन भक्तों को सपना दिया कि मूर्खो तुम इस पत्थर को अपने घर में ले आए हो, वो मेरा भक्त मेरी इतनी अच्छे से सेवा करता है और तुम लोग उससे क्यों लेके आए, अगर रात अगले दिन तुम लोगों ने नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे सारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। वो भक्त लोग डर गए, रात में ही सुबह सुबह जल्दी तड़के ही पहुंच गए दुकान खुलने से पहले ही,
और सदन से बोलते हैं, जब दुकान खोली कि भैया भैया ऐसा है, ये अपना पत्थर पकड़ो, हमारा पत्थर वापस दे दो। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले ये साक्षात भगवान है शालिग्राम जी, तुम इनको नहीं जानते, ये हमारे सपने में आए थे रात में, और इन्होंने कहा है कि तुम बहुत अच्छे भक्त हो इनके, ये आपकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, इसलिए इनको ही वापस दे दो। तो हम आपको वापस देने आए। सदन ने उनको दोबारा रख लिया। अब सदन तो अपना मांस का बिजनेस छोड़ छाड़ के आंखों से अश्रु बह रहे हैं और उस पत्थर को लेके जगन्नाथपुरी धाम की ओर जाने लगे। पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई जगन्नाथपुरी जाना है, किस रास्ते से जाएं? कंकड़ पत्थर का रास्ता है, बहुत अच्छे रास्ते भी नहीं थे पहले। इस तरह से सदन जी जा रहे हैं। एक थोड़ी दूर चलने के बाद, कुछ एक दिन चलने के बाद संध्या हुई, रात होने लगी। उस गांव में, किसी गांव में पहुंचे जाके, उस गांव में उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया कि कोई है। तब उस घर से एक माताजी आई बाहर, उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या बात है। तो उन्हें सदन ने बोला कि माताजी हम ना रात हो गई है और हम इस तरह से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, अगर रात भर हमें रुकने का आपके घर में अवसर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। माताजी ने बोला हाँ ठीक है, आप हमारे घर में रुक सकते हैं, हमारे घर में हम दो ही लोग हैं, पति और पत्नी, और कोई नहीं है। तो वो पति पत्नी रात में दूसरे कमरे में अपने सो गए और सदन को दूसरा कमरा दे दिया। इस तरह सदन भी सो गए। अब रात को 12 बजे वो स्त्री, उस घर की स्त्री उठी अपने पति के छोड़ के और सदन के कमरे में गई। सदन से बोली कि हे, मतलब नाम तो नहीं जानती होगी, फिर भी कह रहे हैं सदन कि हमारा साथ संग करो। तो उन्होंने कहा सदन, नहीं, आप मेरी माता के समान हैं, आप मेरी बहन के समान हैं, अगर मैं आपको स्पर्श भी करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम डरो मत। बोले नहीं माते, मैं आपके साथ संग नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये डर रहे हो ना कि मेरा पति है, इसलिए ठीक है। वो स्त्री ने तलवार उठाई, अपने पति का सिर अलग कर दिया। उन्होंने कहा अब तो कोई डर नहीं है। अब वो जबरदस्ती उनके साथ करने लगी। सदन फिर भी डर रहे हैं, जबरदस्ती जब करने लगी और उसने सोचा अब ये भागने वाला है, पकड़ में नहीं आएगा, उसने स्त्री ने अपने कपड़े अपने हाथ फाड़ लिए और मोहल्ले में शोर कर दिया कि ये सदन है ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसने मेरे पति को भी मार दिया। माता लोगों की थोड़ी ज्यादा सुनी जाती है संसार में। इस तरह से पंचों को बुलाया गया तो पंचों ने निर्णय यह लिया कि इस व्यक्ति ने तुम्हारा शरीर किस से स्पर्श किया, हाथों से, तो इनके दोनों हाथ काट दो। सदन के दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए गए। फिर भी भक्ति को उत्कंठा देखो, उत्साह देखो, फिर भी उन्हों का उत्साह कम नहीं हुआ। उनका उत्साह जो जगन्नाथपुरी जाने के लिए था वो कंटिन्यू रहा और वो वहां से बिना हाथों के शालिग्राम जी को किसी भक्त ने गले में टांग दिया होगा, वो लेके चल दिए जगन्नाथपुरी की ओर। जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के गेट पे पहुंचे, गेट पे पहुंचने से पहले ही जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को दर्शन दिया और कहा कि मेरा भक्त आ रहा है और इस तरह से उसका स्वरूप है, कोई भी इसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जगन्नाथ जी पंडित समझ गए ठीक है, कोई आएगा तो रोका नहीं जाएगा। अब जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मंदिर के गेट पे, तो वहां पे सब भक्त लोग कीर्तन, बहुत अच्छे सुंदर कीर्तन हो रहा था और हरि बोल कर रहे थे हाथ उठा के। जब अंतिम में हम लोग बोलते हैं हरि बोल, तो सदन की इच्छा हुई कि भैया मेरे हाथ भी होते तो मैं भी करता हरि बोल। उनकी सिर्फ इच्छा हुई और उन्होंने उनके कटे हुए हाथों को थोड़ा सा ऐसे करके प्रयास किया तो भगवान की कृपा से सदन के दोनों हाथ भी आ गए, बोले हरि बोल। अब थोड़ी देर में भगवान उपस्थित हुए वहां पे, साक्षात्कार हुआ भगवान से। सब सदन ने ये पूछा, प्रभु जब हाथ देने थे तो कटवाए क्यों? तो उन्होंने कहा भगवान ने कि सदन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म थे, तो कर्म की गति ऐसी है, भगवत गीता में भी कहते हैं कि गहनो कर्मण्णा गति, कि कर्म की गति इतनी गहन है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि मेरे हाथ कटे और दोबारा आए, इसका क्या कारण है? तो भगवान बता रहे हैं उनको कि हे सदन, पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे, वैदिक धर्म का पालन करते थे और एक बार तुम किसी रास्ते पे बैठ के अपना भजन कर रहे थे, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, वहां से एक गाय जा रही थी और उस गाय को आपने सिर्फ देखा था, पीछे उसके एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था, आप नहीं जानते थे उसको कसाई है और वो कसाई था, उस गाय को पकड़ने के लिए जा रहा था।
आपसे उसने पूछा व्यक्ति ने कि इधर कोई गाय गई है, तो आपने तो सत्यता स्पष्ट करते हुए वो इशारा कर दिया, हाँ महाराज प्रभु इस साइड गई है। आपने सिर्फ इशारा किया हाथ से, इसकी वजह से आपके दोनों हाथ कटे और वो गाय को वो कसाई ने पकड़ के काट दिया। और जो गाय थी वही इस जन्म में वो स्त्री बनी जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ कटे, और जो कसाई था वो इस जन्म में वो स्त्री का पति बना जिसका गला उसने ही काटा, उस स्त्री ने ही। इस तरह से ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म था। इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम में कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारे आने वाले जीवन में हमें कष्टों का सामना करना पड़े। यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु व्यभिचार पतिता नाम पावने वैष्णव्यो नमः। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्रिशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदु में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद भागवत के अंतर्गत ये सब कथाएं रोज शाम को हो रही हैं, उसी में जहां मैंने पिछली बार रखा था वहीं से आप शुरू करने का मैं कोशिश करता हूं। पिछली बार बताया था कि किस प्रकार जब परीक्षित महाराज जी जो हैं वो बड़े ही चिंतित होकर के और बड़े आर्त भाव से जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बोला प्रभु अंत समय में मैं आपकी ही कथा सुनते सुनते शरीर को त्यागना चाहता हूं, तब वहां पर उनके हृदय की भावनाओं को जान करके स्वयं यहां पर बताया कि जैसे भगवान ही सुखदेव जी का रूप लेकर के वहां प्रस्तुत हो गए हैं। इतना सुंदर रूप सुखदेव गोस्वामी का वहां पर है, 16 साल के बड़े ही सुंदर। और वहां परीक्षित महाराज जी ने बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं कि मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, और एकमात्र जो साधन क्या है कलयुग का। जब बताते बताते उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देकर के अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के नाम की महिमा। एतद निर्विद्य माना नाम इच्छता मकुतो भयम योगी नाम निपुण निर्णित हरि नामानुकीर्तनात्। सभी का यही निर्णय है क्या कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, और नाम में भी कोई विधि किसी प्रकार की नहीं है बिल्कुल भी। जो महाप्रभु ने तो आकर के बिल्कुल आसान ही कर दिया है, हर किसी को उसमें अधिकार प्रदान कर दिया। हम सुबह चैतन्य भागवत में भी पढ़ रहे हैं सभी को ही महाप्रभु ने इस नाम में अधिकार प्रदान कर दिया है। गृहणे रखिल नहीं काल विचारा, और यहां तक भी बताया किसी भी अवस्था में नाम को किया जा सकता है, देश काल परिस्थिति का कोई भी विचार नहीं। किसी भी देश में हो, चाहे हम भारत में हो या विदेश में हो, नाम किया जा सकता है। काल किसी भी समय सुबह हो रात हो कोई विचार नहीं। पात्र कोई जाति पाति का कोई भी विचार यहां पर नहीं है, जो भगवान का भजन करे बस वही बड़ा है। कोई जाति पाति का कोई भी विचार यहां पर विशेष रूप से नहीं है भगवान की भक्ति में। तो इस प्रकार जो है, और तुलसीदास जी ने भी यहां पर विशेष बात बताई है, जैसे महाप्रभु ने कहा कि किसी भी अवस्था में नाम को लिया जा सकता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र स्थापिता, वो तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशी दस हूं।
किसी भी समय लिया जा सकता है। अनक हो, चाहे क्रोध ही आ रहा हो, चाहे आलस ही हो, चाहे भाव हो, चाहे कुभाव हो, कुछ भी हो, नाम लेने से मंगल ही, दसों दिशाओं में मंगल, दिशी दशों दसों दिशाओं में ही मंगल होगा। और इसी क्रम में आगे हमने सुना कि जो ये भगवान का नाम है, इसको किस तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया कि ये जो नाम है इसको तीन प्रकार से लिया जा सकता है, एक मन मन में, एक उपांशु और एक उच्च स्वर से। मन मन में बताया कि भगवान के नाम को मन ही मन हम लोग कर रहे, लेकिन प्रभु जी ने सुबह कथा में बताया था कि अनर्थग्रस्त जीव ये सब नहीं कर सकता मन मन में नाम, उसको उपांशु या उच्च स्वर से ही करना चाहिए। और उपांशु होता है कि हमारे कान तक हमें सुनाई दे, और उच्च स्वर होता है कि बड़े ही उच्च स्वर से भगवान का नाम संकीर्तन आदि करना। और ये इसको श्रेष्ठ भी बताया है जब तो हरि नामानी आदि श्लोकों में कि किस प्रकार जो व्यक्ति शत गुना फल होता है अगर कोई मन में नाम करे और कोई जोर से नाम करे उसमें। और ये सब श्रवण कराते हुए, ये सारी समस्त बातें बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो महाराज परीक्षित को आश्वासन देते हैं। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि मेरे पास तो केवल 7 ही दिन का समय है, और ये जो भगवदीय वस्तु है ये बड़ा ही कठिन मार्ग है, बड़े ही कठिन परिश्रम से भगवान आदि का दर्शन और साक्षात्कार आदि होता है, इतना कठिन मार्ग है 7 दिन में कैसे होगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मों तक भी जतन करते हैं तक भी अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है, फिर हमें कैसे हो सकता है। यहां एक विशेष बात है कि परीक्षित महाराज जी के पास 7 दिन है, लेकिन उनके 7 दिन पक्के हैं। श्राप क्या है, 7 दिन बाद तक्षक सांप दंशन करेगा, लेकिन हमारे पास में तो 7 दिन भी है कि नहीं हमें नहीं पता। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्ध भविष्यति कीर्त नियमतो बाल्यात हरे नामानु हरि नामेव केवलम। इसलिए क्या करना चाहिए, बाल्यकाल से ही भगवान के नाम, भगवान की भक्ति को करना चाहिए। इसलिए उनको आश्वासन देते हुए सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज जी को आश्वासन दे रहे हैं, देखिए कोई भी आप चिंता मत कीजिए, आपके पास में तो 7 दिन हैं। और जो खटवांग राजा थे उन्होंने क्या किया, एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर ली थी। और उनके विषय में उनकी कथा तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार जो खटवांग राजा बड़े ही प्रतापी राजा थे और उनका समस्त पृथ्वी पर राज्य था, उनके प्रताप को देख करके जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ तब उन्हें यहां से ले जाया गया, और वहां जाकर के उन्हें अपना सेनापति बना करके जब देवताओं ने युद्ध किया, उनकी युद्ध कला और व्यूह रचना को इतनी इतनी सुकुशल उनकी जो योग्यता थी, उन्होंने देवताओं को विजय प्रदान करवा दी, जिसको देख करके देवता बड़े प्रसन्न हो गए खटवांग राजा के ऊपर। बोला महाराज खटवांग, आपकी कृपा से आज हम इस युद्ध को जीत गए हैं, हम अति प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए, हम आपको कोई भी वर दे सकते हैं। तब वहां पे जो खटवांग राजा है वो पूछते हैं, बड़े ही बुद्धिमान राजा हैं, भावना में बह करके नहीं, पहले पूछ रहे कि बोला देवताओं एक बात तो बताइए, हमारी जो है परम आयु कितनी शेष रह गई है। उन्होंने देख करके बताया आपकी परम आयु तो बस एक मुहूर्त ही रह गई है, उसको देख करके मतलब 48 मिनट के आसपास, उसको सुन करके जो खटवांग राजा है बोले बस इतना समय, इतने समय में कोई भोग मांग भी लूंगा तो उसको भोगूंगा कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप हमारी आयु को बढ़ा दीजिए, देवताओं से उन्होंने प्रार्थना करी आप हमारी आयु को बढ़ा दीजिए। देवता बोले कि ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो प्रारब्ध कर्म है, जो भी आपकी जितनी आयु है उतना आपको मिलेगा, उसके बाद तो फिर शरीर छूट जाएगा, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बोला अच्छा आपके हाथ में नहीं है, हम तो सोचते थे देवताओं के हाथ में बड़ी पावर होती है। बोले नहीं हमारे, बोला अच्छा कोई बात नहीं, जब शरीर मरी नहीं वाला है और आप जब वरदान देना ही चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए हमें मुक्ति प्रदान कर दीजिए, बस हो गया काम। देवता बोले कि भैया ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बोला जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों बोल रहे थे वरदान देने के लिए। वहां पर जो खटवांग राजा है वहां पर बड़े ही ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि संसार में देखने में आता है सभी लोग देवी देवताओं की बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन अंत समय में अगर मुक्ति प्रदान कर सकते हैं तो कौन प्रदान कर सकते हैं, भगवान प्रदान कर सकते हैं, मुकुंद मुक्ति ददाति मुकुंद। वहां पर खटवांग राजा पूछते हैं कि मुक्ति कौन प्रदान कर सकते हैं, तब उन्होंने बताया मुक्ति तो केवल भगवान पर प्रदान कर सकते हैं, कृष्ण की शरण लीजिए मुक्ति ददाति मुकुंद। तब उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए,
देखिए यहाँ पर एक और विशेष बात है, जब उन्हें पता चल गया कि भाई भगवान की ही भक्ति करना है, भगवान की भक्ति से ही संसार चक्र से निकला जा सकता है, उन्होंने देवताओं से प्रार्थना करी कि अति शीघ्र हमारा जो है ये मर्त्य भूमि में जाने की व्यवस्था कीजिए। क्यों? क्योंकि ये धरती पर और उसमें भी भारत देश में ही भजन को किया जा सकता है, स्वर्ग आदि में नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक विमान के लिए प्रार्थना करी और विमान उनको तत्क्षण वहां पर ले आया है, और इतने कम समय में भगवान का ध्यान लगाते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति खटवांग राजा ने कर ली। इसको इस कथा को सुना करके सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो महाराज परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं, इतने कम समय में अगर कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है, आपके पास में कितना समय है? 7 दिन तो बहुत है, बहुत 7 दिन है। बड़ा सुंदर प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और विशेष बात निकल करके आई है कि जिस भूमि पे हमारा जन्म हुआ है भारत भूमि, उसकी क्या महत्व है, क्या महत्व है। स्वर्ग को छोड़ करके वो तुरंत कहाँ आना चाहते हैं? इस भारत भूमि पर आना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। आगे परीक्षित महाराज ने जब इस प्रकार से बात बताई कि आपके पास में 7 दिन है, तो यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर, हमारे जो बड़े गुरु जी हैं वो कथा को सुनाते थे, क्या सभी के पास में ही 7 दिन है? ऐसी बात नहीं है कि केवल परीक्षित महाराज जी के पास 7 दिन थे, सभी लोगों के पास 7 दिन है। इस वृत्तांत को सुनाते हुए वो एक कथा सुनाते थे, मैं जल्दी जल्दी उस कथा को सुना देता हूं। एक समय एक राजा थे, उनका बहुत बड़ा राज्य था और राज्य बड़ा ही सुंदर चल रहा था। नई नई राजा की शादी हुई थी, बड़ी सुंदर उनकी पत्नी थी और पत्नी अपने महल में रहती रही थी, और राजा जो है समस्त राज्य को संभालते थे और राज्य में धन धान्य किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बड़ा ही सुंदर राज्य चल रहा था। एक समय एक साधु महल के दरबार महल में आते हैं और जो सैनिक होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हम आपके महाराज से मिलना चाहते हैं, कृपया व्यवस्था कीजिए। जो द्वारपाल हैं अब वो जाएंगे, पहले पूछ करके आएंगे महाराज से कि भाई आने दे कि नहीं आने दे। द्वारपाल जाते हैं महाराज जी से जाकर के बोलते हैं, बोला महाराज द्वार पर एक साधु आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा बोले मैं बहुत व्यस्त हूं, ये लो कुछ पैसे दे दिए 100 सिक्के सोने के दे दिए। बोला जाओ जाकर के साधु को दे दो और वो हमारा प्रणाम बोल देना। द्वारपाल जो है पैसा लेकर के आए और द्वारपालों ने जो पैसा साधु को दे दिया, बोला महाराज ने आपको प्रणाम बोला है। साधु बोले कि देखो हम यहां पर कोई पैसा लेने नहीं आए हैं, हमें तो महाराज से कोई विशेष काम है, आप व्यवस्था करो कि हमारी महाराज जी से मुलाकात हो जाए। द्वारपाल फिर जाते हैं, इस बार महाराज जी जो हैं वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेज देते हैं, लेकिन साधु उसे भी मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते साधु सोचते हैं कि देखो ये राजा जो है ये विषय 24 के 24 घंटा विषय संग्रह में लगा हुआ है, धन आदि राज्य आदि कैसे अपनी सीमा का विस्तार करना इसी कार्यों में लगा हुआ है, और ये साधु जगत में एक बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने क्या करा, राजा के महल को छोड़ करके रानी के महल की तरफ गए, क्योंकि माताओं का हृदय जो होता है वो बड़ा ही कोमल होता है। जैसे ही उन्होंने जाकर के जो रानी के महल में प्रार्थना करी, रानी ने तुरंत सम्मान उन्हें अंदर बुलाया, उन्हें बिठाया, उन्हें जल आदि सब प्रदान करते हुए पूछा, बोला साधु, क्योंकि जो स्त्रियां हैं जो माता है वो जानती हैं जो साधु हैं उनका दर्शन से समस्त प्रकार की मनोवांछा सब पूर्ण हो सकती है, इसलिए जो उन्होंने प्रणाम करते हुए पूछा, बोला महाराज आपका स्वागत है, कृपया बताइए कि आप किस प्रकार हम आपकी सेवा कर सकते हैं, कैसे आपका आना हुआ। तब वापस साधु कहते हैं कि हम आपके राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन राजा बड़े ही व्यस्त थे, उन्होंने हमें समय नहीं दिया, एक बड़ी विशेष बात उन्हें बतानी थी। तब रानी ने बोला कि महाराज वो बात हमें बता दीजिए। तब वहां पर जो साधु बोलते हैं, बोला देखो रानी, जो तुम्हारा जो पति है जो इस देश का राजा है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में वो मृत्यु हो जाएगी उसको, हाँ 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। जब इस बात को सुना तो रानी जो थी वो बड़ी ही व्याकुल हो गई, बड़ी ही रोने लगी जोर जोर से, क्योंकि नई नई शादी हुई है, अभी कुछ देखा भी नहीं और पति की मृत्यु निकट आ गई। इसको देख करके रानी जो बड़ा विलाप करने लगी और बोला महाराज आप तो साधु हैं, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? बोला नहीं, ये ध्रुव सत्य है। रानी को बड़ा क्रोध आया कि साधु इतनी बड़ी बात बताने के लिए राजा के पास में आए थे और राजा जो है वो अपने सब लगा हुआ है राज्य कार्य में,
रानी ने जो है अपनी दासियों से संदेशा भिजवाया, बोला जाओ राजा को बोलो कि रानी ने बुलाया है तुरंत। जब दासियों ने जाकर के महल में दरबार में सारे दरबारी बैठे हुए थे, मंत्री महामंत्री, जब जाकर के बोला, बोला महाराज रानी ने बुलावा भेजा है, महारानी आपको बुला रही है। जैसे ही सुना रानी ने बुलाया, सब खत्म, सारा दरबार सब खत्म करके तुरंत भागा रानी की तरफ। देखो जब साधु ने जब कितनी प्रार्थना करी, लेकिन राजा के पास समय नहीं था, लेकिन जैसे ही पत्नी ने बुलाया, रानी ने बुलाया, तुरंत सारा राज्य कार्य छोड़ करके भागा रानी के पास में। जब रानी के पास में आया, वहां आकर के बोला, बोला आपके पास में कोई साधु, साधु जो थे वो ये बात बता करके जाने लगे, क्या करने लगे, चल दिए महल से। और रानी ने पूछा क्या कोई साधु तुमसे मिलने आए थे, राजा ने बोला हाँ मिलने आए थे, मैंने उनको प्रणामी भिजवा दी थी। बोला तुम जानते नहीं हो साधु क्यों दरबार, क्यों किसी के घर में आते हैं, गृहस्थ के घर में साधु क्यों आते हैं। महद विचलनाम निर्णाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेषाय भगवान अन्यथा न कल्पित क्वचित। वो केवल और केवल ये जो गृहस्थ हैं, जो संसार में फंसे हैं, उनके कल्याण करने के लिए आते हैं। तब वहां पर जो है वो बोलते, बता रानी बात तो बताओ क्या हुआ, इतना बोल रही हो, बात क्या हुई ये तो बताओ। तब वहां पर जो रानी बोलती है कि साधु कह करके गए हैं कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी और इसको कोई भी बदल नहीं सकता, ये ध्रुव सत्य है। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अंधेरा छा गया, दिन में तारे नजर आ गए उसको, सारा राज्य कार्य सब भूल गया 2 मिनट में। बोला अब क्या करे, बोला जाओ जाके साधु के चरण पकड़ो, भागो, उनसे पूछो क्या करना चाहिए। जब वो यहां तक आई गए थे, राजा अब स्वयं भागा, भाग करके साधु के चरणों में जाकर के गिर गया, उनको बड़ी ही उनकी आकुति मिनुति करके उनको घर में लेकर के आया, उन्हें बिठाया और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पूछ रहे हैं, बोला महाराज आप कह रहे हैं कि हमारी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बोला हाँ आपकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। बोला क्या कोई उपाय है, बोला कोई भी उपाय नहीं है। तो राजा वहां पूछता है, बोला अच्छा ठीक है 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तो मेरी गति क्या होगी। तब साधु कहते हैं, बोला देखो राजा तुमने बहुत दान पुण्य किया है, तुम अच्छे राजा हो, धर्मात्मा भी हो, धर्म पुण्य का काम करते हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। किसकी प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बोले स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, फिर चिंता किस बात की। बोले चिंता कोई बात की नहीं है, स्वर्ग में तुम्हें बढ़िया सारे भोग मिलेंगे सब कुछ, लेकिन एक कमी रह गई है। बोले क्या, बोले स्वर्ग के अंदर बहुत बड़े बड़े मच्छर है, बहुत बड़े बड़े मच्छर है, ये बता रहे ना 15 फीट के तो नहीं थे लेकिन मच्छर है वहां पर, मच्छर बड़े बड़े मच्छर हैं। तो वो राजा बोले कि वो तुम्हें काटेंगे। तो राजा बोले तो क्या करूं, बोला चिंता मत करो, मच्छरदानी मिलेगी, मॉस्किटो नेट मिलेगी, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। राजा बोले अच्छी बात है मच्छरदानी। लेकिन साधु फिर बोलते लेकिन एक समस्या है। राजा बोले क्या समस्या है, उस मच्छरदानी में ना छेद है, उस छेद से मच्छर घुस जाएंगे और तुम्हें काटेंगे। तो राजा बोले तो क्या करूं। साधु बोले राजा एक काम करना, जब मरोगे ना, 7 दिनों में मर जाओगे, जब मरोगे तो एक सुई धागा लेकर के चले जाना बढ़िया, वो स्वर्ग में उस मच्छरदानी को सी देना और आनंद से सोना। और राजा जो था वो बोला, बोला साधु, बोला महाराज इस संसार से हम कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते, सब यही छूट जाता है। बोला जब सब पता यही छूट जाता है तो क्यों सारा दिन भी राज्य में लगा हुआ है। तो साधु ने जब ये बात बोली तो राजा के एकदम उसके जो अंतर जो चक्षु थे वो खुल गए, क्योंकि गुरुजी कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, ज्ञानंजन शलाकया, क्या करते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान का अंजन लगाते हैं। उसके हृदय नेत्र राजा के खुल गए, वो समझ गए कि समस्त राज्य कार्य कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ बीता चला जा रहा है। उसने उसने बार बार क्षमा मांगी, बोला महाराज आपने तो मेरे नेत्र खोल दिए, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। उन्होंने राजा ने बोला एक ही काम करो, भगवान का नाम करो। वहां पर राजा बोलते बोला महाराज करने को तो बहुत कुछ है, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे सब सब इतनी सारी व्यवस्था है, वेद है पुराने में, क्या क्या करूं क्या क्या नहीं करूं। वो तो रह गया ना। हाँ तो साधु से उन्होंने पूछा कि महाराज इतने सारे वेद हैं पुराण हैं, इतनी सारी व्यवस्था, मुझे क्या करना चाहिए। तब वहां पर जो साधु हैं वो कहते हैं, बोला देखो महाराज
अगर इस संसार से पार उतरना चाहते हो, सुख शांति पाना चाहते हो, तो क्या कीजिए, राम नाम लीजिए, भगवान का नाम कीजिए, इसी से ही सहारे, भगवान की भक्ति ही सहारे। जब ये सब बात बताई तो राजा संतुष्ट हो गए। तब वहां पर साधु कहते हैं, बोला देखो राजा, मैंने कहा था तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। कितने दिनों में? 7 दिनों में। ये नहीं कहा था कि 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन माने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन है, इन्हीं में ही मृत्यु होगी। और सभी लोग 7 दिन में ही मरते हैं, 8वां दिन तो कोई है ही नहीं, यही 7 दिन है, इसलिए कोई चिंता मत करो, आराम से भजन करो, भक्ति करो। बोला महाराज, फिर आपने ये सब बातें क्यों बताई कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा? बोला तुम्हारे ये जो तुम माया की गोद में सो रहे हो, पिशाची, जो माया पिशाची की गोद में तुम सो रहे हो, तुम्हारी ये मौन निद्रा भंग करने के लिए मैंने ये सारे के सारी ये सब इस चीज की रचना करी थी। अब तुम सब समझ गए हो, भगवान की भजन करो, भक्ति करो। ये बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, गुरु जी से सुनाते थे कि महाराज परीक्षित नहीं, हम सभी के पास 7 दिन है, 7 दिनों में हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, किसी भी समय हो सकती है, इसलिए तूर्णम यतेत न प्रत्येत अनु मृत्यु यावत निश्रेषाय विशेष खलु सर्वतः स्यात्। बोले क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावने। याद हो गया ना? अरे याद हो गया। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद इधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब घर जोर से करे, बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान स्वयं कह रहे थे देखो मैया, अगर ये भव सागर से पार होना चाहते हो, सबसे सरल उपाय ही भगवान भक्तों का संग करो, इससे और कोई सरल उपाय है नहीं। फिर जब मैया ने पूछा, तुमने तो बताई साधु का संग करने के लिए, लेकिन ये साधुओं का कुछ तो गुण होनी चाहिए ना, हाँ साधुओं का कुछ गुण होनी चाहिए, साधुओं का गुण को बारे में भी बताओ। तो भगवान स्वयं फिर साधुओं का लक्षण बताए, साधु किसको कहते हैं। लेकिन हमारे भारत में देखो, अब परिक्रमा मार्ग में कभी परिक्रमा किया हो वृंदावन की? कौन कौन परिक्रमा किया? रोज करते हो, देखना वहां पर जो जो रास्ता रास्ता में कोई रोटी कोई चाना ये सब देते हैं, देखना एकादश में भी वो सब के सब रोटी चाना और चाय पीते रहते हैं फ्री, और वहां पर ब्रेड, और वहां पर नियम है वो अन्न छत्र में अगर तुमको भोजन करना होगा, जब तक ये लाल कपड़ा नहीं पहनोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए उनको स्पेशल लाल कपड़ा देते हैं। पहनोगे तभी तुमको चाय मिलेगा और रोटी मिलेगा, चाना मिलेगा, एकादशी में भी है चाय मिलेगा, और भले ही जो कुछ हो लेकिन उसको लाल कपड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर जाएंगे ना। क्यों? वो कहते हैं हम साधुओं को देते हैं ना, उनको लगेगा भाई साधु को दे रहे, नहीं तो साधारण व्यक्ति को नहीं देते। मतलब कितने भ्रमित है लोग
इसलिए इसलिए हमारे देश में साधु किसको मानते हैं, जो गौरी का वस्त्र धारण कर लेते हैं उनको ही हम साधु मानते हैं। इसलिए लोग भ्रमित नहीं हो जाए साधु कौन है। इसलिए यहाँ पर स्वयं माँ निमित्त बनकर के वो प्रश्न करती हैं, बेटा साधुओं का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए हैं, तब तो उसको साधु कहेंगे। लेकिन हमारे भारत में देखना जटा जुटधारी साधु है, जिनको भक्ति भक्ति से कोई भगवान की भजन में भक्ति से जिनका कोई मतलब नहीं है, उसके बाद में चाय पी लेंगे, बिस्कुट खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, बस बैठ कर गप्पे मारेंगे, कोई हुक्का फूकेगा, कोई बीड़ी फूकेगा, बस उल्टा पुल्टा। जब भजन भजन हरिनाम भक्ति में कोई कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं भजन भजन से, हरिनाम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर माँ स्वयं अपना भगवान को पूछ लेती है, बेटा साधुओं का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने मैया ने सारे साधुओं का लक्षण बताए। कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे हैं, कहते अपिचेत सुदुराचार भजन्ते मांग अनन्य भाग, कहते भक्ति जो मेरे अनन्य रूप में जो मेरे भक्ति करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे कथा सुनते हैं, मेरे लिए सब सारा दुनिया को मेरे लिए जो त्याग किया हुआ, और मत कथा मदगता चिंता बधयन्ते परस्परम, जो साधु का जो लक्षण है, क्या लक्षण है, हर समय जो मेरे कथा मेरी चिंता मेरे भक्ति में जो लगे रहते वो साधु है। ऐसे नहीं चोला पहन करके साधु का है भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, सारा दुनिया की कर्म में है, सारा दुनिया की कर्म में। हमारे भारत में ऐसे कुछ कुछ आश्रम भी है, जैसे कुछ कुछ आश्रम भी हमारे भारत में है। कौन सा आश्रम, जैसे भारत सेवा आश्रम है, रामकृष्ण मिशन है, हैं आश्रम है वो लोग, हाँ चाणकुआ हुआ चाणकुआ। इसलिए जिनको जिनको भक्ति में कोई मतलब नहीं है, हैं वो लोग क्या करते हैं, नर को ही नारायण मानते हैं, नर सेवा को ही नर सेवा ही ये नारायण सेवा है, इनका ही सेवा करो। फिर इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, हाँ कहती ये मुर्गा मिशन है, क्योंकि वहां के जो साधु है वो मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, और इधर क्या उपदेश देंगे, जीव दया करनी चाहिए। हाँ जीव दया करे जी, सबसे बड़ा धर्म जीवों को दया करनी। भैया क्या मुर्गा को शरीर में भगवान नहीं है, वो क्या जीव नहीं, क्या ये मछली जीव नहीं है। अगर जीव दया करनी चाहिए, जीवों को प्रेम करो, क्या मछली में क्या आत्मा नहीं, क्या ये मुर्गा में भी नहीं है। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे ये मुर्गा मिशन है, हाँ ये मुर्गा मिशन है। इसलिए यहां पर कहते साधु कहते हैं किसको, बोले साधु उसे कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ाम, जो दृढ़ रूप में केवल मेरे भजन करते हैं, केवल मेरे जो भक्ति करते वही साधु, नहीं तो चोला पहन से साधु कोई नहीं होते हैं। इसलिए भगवान साधु का सारे लक्षण कितने उन्होंने लक्षण बताए, मेरे लिए ही जो जीवन सर्वस्व जो मेरे को दे देते वो साधु है। इसलिए उसको बाद में उन्होंने और बहुत कुछ बात बताए, जब नरक का बात कैसे बताए, जीव कैसे मातृ गर्भ में आते हैं, कितना कितना दिन में क्या होता है, एक महीना में कैसे, दूसरे महीना में कैसे, तीसरे महीना में कैसे, सात महीना में कैसे प्राण संचार होता है, हैं उसको बाद में कैसे भगवान को प्रार्थना करता है, सारे हजार जन्म की बात याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में मैंने कैसे झूठ बेईमानी करके पैसा को कमाया, कैसे परिवार को भरण पोषण किया, लेकिन जिनके लिए हमने किया वो सब गए कहाँ, वो बीवी कहाँ, बच्चे का पति कहाँ है, यहाँ तो कर्म का फल अकेले हमें भोगना पड़ता है। भगवान को पुकारता, ठाकुर जी हमें ये नरक से निकालो, ये नरक से निकालो। तब यहाँ पर कहते हैं ये स्मरण कौन करता है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सब नहीं करते, सब जीव नहीं करते, जो भाग्यवान जीव है, भाग्यवान जीव है वही केवल मातृ गर्भ में भगवान को प्रार्थना करता है, ठाकुर जी मेरे को ये नरक से जल्दी निकालो। और क्या करोगे, बोले उठते बैठते सोते तेरा ही नाम लूंगा, तेरा ही भजन करूंगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को बटन न लगे कपास,
भजन के लिए तो आई संसार में, लेकिन जिस काम के लिए आई उसको तो एक साइड में रख दिया और जो नहीं करने आई उसमें ही रम गए। तो मैया को भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बहुत सारी उन्होंने ज्ञान की बात बताई यहाँ पर, हैं बहुत सारी बात बता करके फिर उन्होंने भक्ति की और अंतिम में प्रभु का नाम की महिमा भगवान स्वयं कह रहे, क्योंकि भगवान के नाम के बगैर जीव का कोई और गति नहीं। और विशेष करके कलिजुगु केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, इसलिए भगवान स्वयं नाम की महिमा कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं, और भक्ति जो की महिमा, प्रभु का नाम और भक्ति जो की महिमा कहते हैं। बोले जन नाम ध्येय श्रवणात् अनुकीर्तनात् जत प्रणाद जत स्मरणादपि क्वचित शाश्वतपि सद्य सबनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवत अनुदर्शनात्। भगवान यहाँ पर कहते नाम की कितने महिमा है, नाम जीव का कितने तरह से प्रभु का नाम जीव का कल्याण करते हैं। क्या है, बोले जन नाम ध्येय, भगवान का जो नाम को जो ध्यान करते हैं, इसलिए बताया ना तीन तरह का नाम करते हैं, एक तो उपासु, एक मन मन में और एक उच्च संकीर्तन में, तीन तरह से भगवान का नाम करते हैं। कहते अगर कोई प्रभु का नाम को ध्यान भी कर ले, ठाकुर का नाम को ध्यान के द्वारा भी जीव का परम कल्याण हो जाता है ध्यान। उसको बाद में श्रवणात्, अगर ये कानों में भगवान का नाम को श्रवण करे, इसलिए बताए ना ऐसे हरि नाम करो जो नाम कम से कम अपना कान तक जाए, ऐसे नहीं बैठ करके कोई जीवा नहीं हिल रहा है, बताते ना विशेषकर कलयुग में मन मन में हाँ कठिन है, लेकिन कम से कम इतना जोर से हरि नाम करो कम से कम अपना कान में नाम जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कान तक जानी चाहिए, ऐसे नहीं मुंह 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 से हरि नाम नहीं निकल रहे, माला सटकते हुए जा रहे माला है, ऐसे नहीं। नियम है कम से कम अपना कानों में स्पष्ट रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कानों में स्पष्ट रूप में नाम जानी चाहिए है। ठीक है निताई गौर, मैं कभी कभी देखता हूँ तुम नाम ही इनके दोनों को मुंह से निकलता नहीं, वो घूमते रहते हैं नाम निकल, कम से कम नाम ऐसे करनी चाहिए कान तक ठीक से नाम जाए, मन मन में नहीं है, नाम कम से कम कान तक जानी चाहिए स्पष्ट रूप में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई कोई जल्दी जल्दी नाम करना चाहते ना, बोले कितना जल्दी हो जाता है, बोले आधा घंटा में हमारे तो 16 नाम हो जाती है, इसका मतलब नाम तुम कर नहीं रहे हो है, नाम ही तुम नहीं कर रहे हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है, है? इसलिए कम से कम 16 माला करने के लिए कितना समय लगेगा, डेढ़ घंटा तो लगेगा ही है, उसको पैसे हो ही नहीं सकता है। कोई कोई बात हरे कृष्ण हरे राम नहीं, ऐसे नहीं, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए नाम, कान में स्पष्ट रूप में जानी चाहिए नाम को। इसको द्वारा क्या होता है, तीन काम होगा, श्रवण कीर्तन और स्मरण। जो करेंगे वो कीर्तन हो गया, जो सुनेंगे हो गया श्रवण, और स्मरण करेंगे, तीनों काम होता है। इसलिए मुंह से स्पष्ट रूप में नाम उच्चारण होनी चाहिए, ठीक है ना, कैसे हाँ पूरा ऐसे ऐसे हो नाम। मैं देखता हूँ तुम दोनों भैया को ठीक नाम नहीं करते हो, बोले इतना माला हो गया, मेरे को तो लगता नहीं माला करते कि नहीं हाँ, इसलिए एकदम स्पष्ट रूप में नाम करनी चाहिए। इसलिए कहते जन नाम ध्येय श्रवणात् फिर अनुकीर्तनात्, नाम को कीर्तन भी करनी चाहिए, अनुकीर्तन करनी चाहिए, और कीर्तन में से सबसे ज्यादा लाभ है कीर्तन में, क्योंकि हरिदास ठाकुर को जब पूछे बोले क्यों जोर जोर से नाम कर रहे हो, उन्होंने क्या बताया, पशु पक्षी आदि तारा बोली ते ना पा रही, पशु पक्षी नहीं बोल रख सकते हैं, सुनी नहीं हरिनाम तारा सब तरे, कम से कम उनको कानों में जो जोर से हरिनाम करेंगे सबको कानों में भगवान का नाम सबका कान में जाएगा। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा लाभ जोर जोर से हरिनाम करनी चाहिए। कत जत प्रणत जत स्मरणादपि क्वचित कहते शाश्वत दपि सद्य सबनाय कल्पते, कहते जब ये प्रभु का नाम को कोई करते हैं उसको क्या होगा, उसी समय में ही उसको क्या होता है, उसी समय में कहते सोमजाजी एक यज्ञ है, सोमजागी यज्ञ को सब नहीं कर सकते हैं,
सोमजागी यज्ञ विशेष ब्राह्मण हो, विशेष ब्राह्मण कुल में कोई जन्म ग्रहण करे तभी ये सोमजाजी यज्ञ को कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन करते हैं, करने का साथ साथ ही वो सोमजागी यज्ञ करने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर कहते हैं अगर प्रभु का नाम को स्मरण कीर्तन अनुकीर्तन करने पर इतना लाभ है, लेकिन कुतः पुनस्ते भगवत दर्शनात्, अगर जीव का अगर भगवत दर्शन हो जाए फिर जीव को क्या प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते माँ क्या करो, भगवान की नाम को, प्रभु का नाम का प्रति विशेष करके, केवल ये कलियुग में ही नाम की महिमा ऐसे नहीं, ये नाम की महिमा तो सत्य युग में भी, त्रेता युग में, द्वापर और कलियुग में तो विशेष विशेष करके नाम की महिमा। भागवत में देखो ध्रुव महाराज सत्य युग क्या करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज भी बच्चों को लेकर कीर्तन करते थे। तृतीया युग में तो हनुमान, रघुपति, राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम, वो भी करते थे। द्वापर युग में भी प्रभु का नाम की महिमा है, कलियुग में तो विशेष विशेष करके नाम की ज्यादा ही महिमा कलियुग में। इसलिए यहां पर कहते हैं ये कौमुद्गल न्याय ये बात को कह रहे हैं, है कौमुद्गल न्याय। तब यहां पर कहते हैं ये भगवत जो नाम है, हैं इसकी महिमा कहते हैं ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य सत्रजाजी विशेष्यते, सत्रजाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारग सर्व वेदांत बीत कोट्या विष्णु भक्त विशेष्यते। यहां पर कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करते, जो विष्णु का भक्त, जो कृष्ण भक्त है, इनकी महिमा को यहाँ पर गा रहे हैं। जो कृष्ण भक्त, जो विष्णु भक्त की कितने महिमा, क्या महिमा है, बोले ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य, कहते हजार हजार ब्राह्मण को अंदर में, कहते एक सत्रजाजी जो ब्राह्मण है वो बहुत महत्व है, हैं हजार हजार ब्राह्मण में, कहते ऐसे सत्रजाजी ब्राह्मण में, हजार हजार ब्राह्मण में, उसमें क्या, कहते सहस्रेभ्य सर्व वेदांत, सर्व वेदांत को जानने वाले हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। बोले सर्व वेदांत बीत कोट्या, बोले ऐसे करोड़ों करोड़ों जो सर्व वेदांत को जानने वाले ब्राह्मण में, कहते एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है, एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ, हजार हजार विष्णु भक्त में एक राम का भक्त श्रेष्ठ है, और हजार हजार राम भक्त में एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है, कौन सा, द्वारकाधीश कृष्ण भक्ति, और ऐसे ऐसे हजार हजार द्वारकाधीश कृष्ण भक्त में एक मथुरे से कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है, और ऐसे ऐसे मथुरे से कृष्ण भक्त में एक वृंदावन आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को जो भजन करते हैं वो बहुत महत्व, ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को भजन करने वाले में, जो गोपियों की अनुगत में जो भजन करने वाले करोड़ों करोड़ में एक श्रेष्ठ, और गोपियों का अनुगत्य में भी भजन करने वाले श्री महाप्रभु को लाइन में आकर के महाप्रभु की अनुगत्य में जो भक्ति करते हैं उनका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते, इतने महिमा तुम लोगों का, जो महाप्रभु का धारा में, महाप्रभु का धारा में जो आकर के भक्ति करते हैं इनकी विशेष विशेष इनकी महत्व है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं न मैं अभक्त चतुर्वेदी मत भक्त सपच गया, इसलिए मत न मैं भक्ता चतुर्वेदी, जो चार वेद को जानने वाले, कहते वो मेरे श्रेष्ठ नहीं है। मत भक्त सपच प्रिय, अगर चंडाल कुल में भी अगर कोई जन्म ग्रहण किया है, अगर मेरे भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है, जो चार वेद को जो जानने वाले ब्राह्मण से, तस्मै दया ततो ग्राज्यम सताहि पूज्य जथामि आम, वो मेरे जैसे पूजा है, उसका दिया हुआ वस्तु कहीं मैं ग्रहण करता हूं। हैं तो यहां पर कहते हैं नीच जाति नहि कृष्ण भजन अयोग्य, अगर कोई बोले कोई नीच कुल में कोई जन्म ग्रहण क्या भजन नहीं कर सकता है, यहां बोले नहीं, नीच जाति नहि कृष्ण भजन अयोग्य, बोले सतकुल विप्र नहि भवन भजन रे योग्य, अगर कोई सतकुल में ब्राह्मण घर में अगर कोई जन्म लिया ये मत समझो ये सर्वश्रेष्ठ, कहते जय भजे अभक्त हीन चार
कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार, कृष्ण भजन में कोई जाति कुल का विचार नहीं, जो भजन करे वही श्रेष्ठ है, जो भजन करे वही श्रेष्ठ है। इसलिए जय भजे सही बड़ा, इसलिए बोले दिनेर अधिक दया करे न भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान। कुलीन पंडित धनियों का बड़ा अभिमान है, भगवान की जो कृपा विशेष करके दीनहीन व्यक्तियों के ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा होता है। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान कपिल देव कहते हैं, बोले अहो बत सपोच तो गरियान, जत्र जिहाग्र वर्तत नाम तुभ्यम, ते पुस्ते पस्त जुहुब सस्नु राजा, ब्रह्माचुर नाम गृणी ते जेते। ये श्लोक बड़ी नाम की बड़ी महिमा बता रहे, बोले अहो, अहो मतलब क्या है, जैसे कोई आश्चर्य चीज को देख करके ना हम कहते हैं क्या आश्चर्य है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते, बोले माँ जो व्यक्ति भगवान का नाम को उच्चारण करते, बोले अहो मतलब ये कितने बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति जो भगवान के नाम को ग्रहण करते। बोले अहो बत सपोच, सपच मतलब चंडाल, कुत्ते का मांस जो खाने वाले, कुत्ते का मांस जो खाने वाले, ऐसे चंडाल क्यों नहीं हो अगर वो व्यक्ति प्रभु का नाम जब करते हैं। बोले माँ अतो गरियान, वो बड़ा श्रेष्ठ है। जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कहते वो संपूर्ण जिह्वा में नहीं, अगर जिह्वा की अग्र देश में अगर वो प्रभु का नाम लेता है, अग्र देश में, पूरा जिह्वा में नहीं, फिर क्या समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया है। बोले चार काम क्या है, बोले तेपुहु जुहुबु ससनु और अनुज, ये चार शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने पहले ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ना, कहते ये सबको सब परोक्ष वाची और सिर्फ भूतकाल में लीट प्रत्यय में प्रयोग हुआ है, ये संस्कृत का एक विचार है। कहते जिन्होंने पूर्व जन्म में ये सबके सब करके आए हैं। बोले पूर्व जन्म में क्या करके आए, बोले तपह तेपु, बोले संपूर्ण रूप में उन लोगों ने क्या किया, सारे तपस्या करके आए। पूर्व जन्म में उसने जुहुबु मतलब सारे यज्ञ करके आए, ससनो सारे तीर्थ में स्नान करके आए हैं, स्नान करके आए हैं। बोले आर्ज्या सदाचार, सारे सदाचार हैं, ये सब के सब अधित कृतवंत मतलब पहले जन्म में ये सब के सब करके आए हैं, तभी इसी जीवन में जिह्वा की अग्रदेश में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा है। तब कहते भैया जिह्वा की अग्रदेश में अगर उच्चारण हो तब इतने महिमा, लेकिन ये जिह्वा जिसका संपूर्ण जिह्वा में प्रभु का नाम उच्चारण हो है, बोले भैया उसका महिमा तो बता नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनते, बोले भैया वो तो बहुत भाग्यवान है। बोले जो व्यक्ति अपना घर से चल करके कथा सुनने के लिए आते हैं दोनों प्यार से, बोले वो तो और भाग्यवान है। बोले जिन्होंने ये दोनों आंखों से ठाकुर को दर्शन करते हैं, बोले बाबा उसका तो और महिमा है, हैं? बोले जो व्यक्ति दोनों हाथों से ठाकुर को सेवा करते हैं, भैया उसका तो और भाग्यवान है। इसलिए भगवान स्वयं अपना नाम की महिमा यहाँ पर बता करके कह रहे हैं। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास में आए और गले में गलबेहनिया दे करके दांत में त्रिनका को दबा करके महाप्रभु का चरण में बड़े दीन नीच जाति नीच कुल में जन्म हमारी, हम मुसलमान का काम किया दरबार में हैं, राजा के दरबार में हम निकृष्ट है, लेकिन उस समय महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले क्षण क्षण कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान। महाप्रभु कह रहे, बोले नहीं तुम नीच रही सर्वश्रेष्ठ। बोले क्यों, बोले तुम्हारी जिह्वा में ये कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है, तुम्हारा जिह्वा कृष्ण नाम कर रहा है, इसलिए महाप्रभु कहते क्षण क्षण करो तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, हर क्षण क्षण में सारे तीर्थ में स्नान कर रहे हो। क्षण क्षण करो तुम्हें वेद अध्ययन, हर क्षण क्षण में तुम वेद को अध्ययन कर रहे हो। दिव्य न्यासी है तो तुम्हें परम पावन है, इसलिए तुम्हारे मुख कृष्ण नाम करित है कीर्तन, यही दुई अध्याय न है सर्वोत्तम। इसलिए कहते तुम अधव नहीं तुम सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हें जुहा में कृष्ण नाम उच्चारण हो रहे। इसलिए भगवान ने अपना माँ को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया और मैया ने ये कथा सुन करके माता देहूती उनका जीवन एकदम धन्य हो गया है, धन्य हो गया मैया की, और उन्होंने
कृष्ण प्रेम उन्माद होकर के शरीर में कपड़ा है कि नहीं ये ध्यान नहीं, और कृष्ण प्रेम बावड़ी बन करके चले गए। और भगवान कपिल देव ने क्या किया, माँ को ये उपदेश दे करके उन्होंने कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, गंगा सागर में चले गए। गंगा सागर में, गंगा सागर जो गए हो कौन 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 गंगा सागर गए, कोई नहीं गए। इसलिए गंगा सागर में एक अद्भुत चीज है, वो मकर संक्रांति का दिन है ना, वो पानी अपने आप नीचे उतर आती है, साल में एक बार उनका दर्शन होता है, हैं? और सब समय वो पानी डूबा रहेगा मंदिर, लेकिन वो मकर संक्रांति का दिन पानी नीचे 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 धीरे धीरे आ जाएगा, और साल में भगवान कपिल देव का दर्शन एक बार। और माँ को कहते, बोले माँ एक चीज ध्यान देकर सुनो। बोले क्या, बोले न अभक्ताय कजासन, मैंने तुमको जो ज्ञान की बात बताई ये कभी अभक्तों को ये ज्ञान तुम नहीं देना, अगर किसको देखोगे प्रीति श्रद्धा मेरी प्रति उसको ये ज्ञान तुम प्रदान करना। इसलिए भगवान अपना मैया को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। बोले भगवान श्री कपिल भगवान की, मैया देहूति की, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल पंचाग्र।